कुछ बात करते हैं बैन अल-अक़वामी पंजाबी फिल्म जी आया नु सोनिया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, और 16 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हो रही है। ये पहली पाकिस्तानी मतलब एक्टर है जिनकी ये पंजाबी फिल्म है, ये वाली जो इंडिया जाके उन्होंने एक्ट्रेस के साथ उस तरह से बनी है। तो इस वक्त हमें इमरान अब्बास, अदाकारा सिमी चाहल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। पहले मेरा ख्याल है कि मैं इमरान आपकी तरफ आ जाती हूँ। फिल्म की जो कहानी है मुझे वो ये बताएगा कि आपने भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की एक दूसरे से मोहब्बत को इस फिल्म में दिखाया है, किस तरह से आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ? क्या हकीकत में भी आप इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि जो मकसद था दोनों सरहदों के लोगों को आपस में मिलाना या जो मोहब्बत उनकी है वो दिखाना? इस मकसद को लेके हम बहुत पहले निकल पड़े थे, आज से एक साल डेढ़ साल पहले, और ये इंडिया से निकली, मैं पाकिस्तान से निकला, हमारी पूरी टीम निकली, हम यूके में मिले और बड़ा प्यारा। और जब ये फिल्म प्रोसेस में थी उस वक्त से लेके अब तक हमारे जहन में सिर्फ एक पॉजिटिव नोट था, और वो ये कि ये फिल्म जब रिलीज हो पैगाम पहुंचे, जितनी भी नफरतें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो किसी ना किसी तरह किसी भी लेवल पे अगर हमारी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन से 1% भी कम होती है तो हम कामयाब। सही। अच्छा, इसमें सिमी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि इसमें आप ये बताइए सिमी के इस फिल्म का एक्सपीरियंस। नहीं जी, सिर्फ बिजनेस का डेफिनेटली नहीं है सादा मोटिव, जेड़ा मकसद लेके निकले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब हाँ जी, प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने वधिया पैसे पूरे हो जाने, खुश हो जाने, मूवी वधिया चले रब वालों, बट जेड़ा मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि लोग की नेड़े आने चाहिए ने, लोगों के मन चो जेड़ा काफी लोगों के मन चो अजकल विश्वास उठता जा रहा, जेड़ी नेगेटिविटी कई सिनेमा घर कई बोर मूवीज च दिखाई जा रही है, मैं चाहनी हूं कि वो चेंज होवे, कल मतलब वो नैरेटिव चेंज होवे, वो जेड़ा जो भी रीजंस ने जिदे करके सारा कुछ हुंदा वो चेंज होना चाहिए था। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी वो एक खूबसूरत पैकेजिंग में हो, मतलब अगर आप एक बुरी स्टोरी लाइन या बुरी प्रोडक्शन या बुरी डायरेक्शन के साथ आप कोई बात करते हैं तो वो शायद कन्विंसिंग ना होती, इसलिए लोग उसको देखते ही ना। उसको पहुंचाने के लिए इस बात को एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लाइन, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी गाने, म्यूजिक, प्रोडक्शन वैल्यू, एवरीथिंग हैज टू बी सो स्पिक एंड स्पैन के उसको लोग देखें। इमरान, फिल्म जी वे सोनिया जी की कहानी को हकीकत का रूप कब देने जा रहे हैं? सिमी चाहल को कब पाकिस्तान ला रहे हैं आप? मेरी बहुत ख्वाहिश है और एक प्रोजेक्ट की बात चल भी रही है होपफुली अगर वो सिमी अग्री करती हैं और ये बाकी सारी दिक्कतें जो बीच में होती हैं वो ना हो तो बहुत जल्दी आप सिमी को पाकिस्तानी। अच्छा, इमरान की पहली बार है कि किसी अदाकार ने, पाकिस्तानी अदाकार ने इस तरह का रोल जो कि लीड रोल है वो इंटरनेशनल फिल्म में अदा किया है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा बताइएगा काम करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग गया, इन्हों काम करके बहुत मेहनती आर्टिस्ट ने, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग को एक्टर्स जे मैं कहा था आई वोंट बी रॉन्ग, अपने काम नु बहुत सीरियसली लेंदे ने, बहुत ज्यादा सीरियसली, मैं लगता पूरे सेट ते सब तो काम नु जिदा रब मानते ने, जो कि एक आर्टिस्ट च बहुत वधिया गल हुंदी है जे कोई काम नु अपना रब मानता, ते ही इज वेरी डिटरमिंड। एक दफा इनके पैर में शुरू के दिन ही थे, हमारा तो पहला ही दिन था दोनों का, पर आपका पहले हो चुका था, पर इनके पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी, बहुत ज्यादा मतलब ट्विस्ट हो गया था, पूरा ट्विस्ट हो गया था, आप देख भी नहीं सकते थे इसे, और ये अभी भी कह रहे थे कि मुझे करना है काम, मुझे करना है, चला इनसे जान लिया था बेचारे, इतना ज्यादा तकलीफ। ये डिटरमिनेशन बाकी ये चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, फिल्म के ट्रेलर में अभी आपने दिखाया कि आप वाघा बॉर्डर से इंडियन पंजाब में आसानी से दाखिल हो रहे हैं, क्या फनकार ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे हम करतारपुर की तरह वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भी लोग अपनों को बासानी मिल सकेंगे, आना जाना हो? पाकिस्तान में भी आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठ कर उसको देखना चाहते हैं वो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये ख्वाहिश सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़के की नहीं दिखाई कि वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ अमृतसर जाए, बल्कि ये रेसिप्रोकल है, वहाँ
के लोगों की भी यही ख्वाहिश है और ये बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है और ये इतना ही मेरा दिल चाहता है और हम सबका ये दिल चाहता है कि ये इतनी ही आम सी बात हो जाए कि ये कोई बड़ा मसला ना रहे कि हाँ बैठे बैठे आपका दिल चाहे कि जी लस्सी पी के आप अमृतसर से वापस आ जाए या पहलवान के कुलचे खा के आ जाए या छोले भटूरे, तो वो आप जाए और वापस आ जाए कितनी देर का यार, घंटे की कुछ मिनटों की ड्राइव है। तो ये इतना खूबसूरत एक फैंटेसी है, इट कैन बी अ फ्यूचर, इट इज अ फैंटेसी, इट्स अ ड्रीम ऑफ मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर्स हियर एंड देयर। तो ये तो बड़ा आप देखिएगा ये ख्वाब ही इतना सुहाना है कि जब आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो ये पूरी फिल्म रचाव होता है और एक जो फिल्म का जादू होता है वो समाओ ऐसा ऐसा करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनका एक अपना टेस्ट है, लेकिन वो चीज फिल्म का जो मैजिक है मुझे लगता है ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ये एक प्रॉपर फिल्म लगेगी आपको, इसमें गाने हैं, चलें जी, बहुत बहुत आप जी को लेके मुबारकबाद और अल्लाह करे कि 16th of February. हाँ बिल्कुल, हम भी देखने जाएंगे, आप भी देखने जाएगा। थैंक यू सो मच सिमी और इमरान, आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।